अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल आर्टिक्स को पसंदी। सो एवरीवन, मैं आज आप लोग के साथ मतलब जो है टाइम टेबल के अंदर हम अपने कलर्स कैसे दे सकते हैं, मतलब हमारी कोई टेबल हो गई है तो उसके अंदर हम जो है ना कलर्स कैसे ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चले, मैंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट की हुई है, एक टाइम टेबल क्रिएट किया हुआ है, तो मैं उसको कलर दूँगी, कलर सिखाऊँगी किस तरीके से होता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से मैंने इसके कलर्स दिए हुए हैं। तो लेकिन एवरीवन, तो अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आगे चल के आप लोग को इसके बारे में सिखाऊँगी। तो अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को अच्छी लगी है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लोग अच्छे से देख सकें और आप लोग को समझ आ सके। तो सबसे पहले चले, मैं आप लोग को इसके अंदर कलर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी टेबल क्रिएट की हुई है, ठीक है, मैंने इसके अंदर टेबल क्रिएट की हुई है पहले ही कि किस तरीके से हम अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहीं पर मैं एक और सब्जेक्ट इसके अंदर आपके आप लोग के सामने ऐड करती हूँ, टी आर के नेम से। तो मैंने एक रो क्रिएट की है टी आर के नेम से। तो यहाँ पे टी डी देखे मैं देखती हूँ, टी डी स्लैश देखे हम इसको करेंगे क्लोज, और ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको कर दूँगी जो है क्लोज, क्योंकि एक एक रो को हमें क्लोज करना पड़ता है। तो चलें एवरीवन, मैं यहाँ पे इसको ओपन करती हूँ टीआर। जैसे मैंने यहाँ पे आप फ्राइडे को सब्जेक्ट इसके अंदर ऐड करते हैं, सब्जेक्ट इसके अंदर ऐड करते हैं किस तरीके से ऐड होता है, तो मैंने किया टी डी और मैं इसमें कर देती हूँ कोई भी दे देती हूँ सब्जेक्ट का, जैसे कि इंग्लिश भी दे दिया, मैथ भी दे दिया, उर्दू भी दे दिया और कंप्यूटर, ठीक है। ठीक है, मेरा ये सब्जेक्ट इसके अंदर हो गया एट, ठीक है। और मैंने इस रो को जो है ना इस रो को क्लोज करना भूल गई, तो टी आर ये हो गई क्लोज, ठीक है। तो मैं इस रो को भी करूँगी क्लोज, ठीक है, टी आर ये हमारी हो गई क्लोज। तो चलें ऊपर हम जो बॉर्डर के कलर हैं, मैंने यहाँ पे ब्लू पिंक और ना दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ मैं यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे कलर्स हैं, तो ग्रीन नहीं, ग्रीन दिया हुआ था, मैं इसके अंदर दे देती हूँ कोई भी अच्छा सा कलर। तो जैसे कि हम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दे देती हूँ ग्रीन, और इसको कर देती हूँ जैसे कि वाइट, ठीक है। तो चलें हम इसको करते हैं सेव, कर लिया मैंने इसको पीपी के नाम से सेव किया था, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ 77 कि इसी नेम से सेव हो। सो एवरीवन, चलते हैं हम इसके अंदर और इसको कराते हैं रन। देखिए, मैंने जो इसका बैकग्राउंड दिया हुआ था वो मैंने इसका दिया हुआ था वाइट, और जो है मैंने जो इसका है ना वो दिया हुआ था ग्रीन। तो चलें देखिए, ये मेरा टाइम टेबल इस तरीके से क्रिएट हो गया और उसके अंदर कलर्स इस तरीके से आ गए। तो चले, मेरा लेक्चर यहीं तक पूरा होता है, इंशाल्लाह न्यू लेक्चर के साथ फिर से आप लोग के साथ हाजिर होंगी और इंशाल्लाह न्यू वीडियोज़ लेकर आऊँगी और अच्छे तरीके से आप लोग को उसके अंदर सिखाऊँगी HTML के अंदर। ये मेरी HTML की वीडियो थी, जैसे कि मैंने पहले टेबल क्रिएट की थी और अब मैंने इसको कैसे कलर कर सकते हैं, इसको किस तरीके से कलर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सपोर्ट और भी कलर्स आप लोग को करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर कैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिंक यहाँ पे लिख दिया पिंक, तो चलें इस पिंक को रन कराते हैं। ये मेरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैंने इसको करा दिया रन। देखें ये इस तरीके से होता है, और मैं इसके जो बॉर्डर है उनको ग्रीन कर देती हूँ, ये भी दिखा देती हूँ आप लोग को। ग्रीन ये हो गया, चलें सेव एज,
9 को किया तो मैं इसको कर देती हूँ 6 6। ठीक है, इसको सेव करना ज़रूरी होता है ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो ना हो ऐसे। तो ये रहे, देखें ये बॉर्डर ग्रीन आ गए, आप लोग देख रहे हैं अच्छे तरीके से आ गए। सो एवरीवन, मेरा लेक्चर यहीं तक ख़त्म था। इंशाल्लाह न्यू लेक्चर के साथ फिर से आगे फिर होंगी। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, और मैं इंशाल्लाह न्यू वीडियोस लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।